ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मैं इस श्रृंखला में निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में कुमार, मैं अभी कुमारी अनुराध को निवेदन करता हूँ मंच पे आए। और पहले भी इस कार्यक्रम का जो इस भूमि पूजन हुआ था समय भी वो पहुँची हुई थी, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत की थी। आज फिर से हमारे बीच में पहुंची हुई हैं और हमारे आदरणीय भगवती प्रसाद सागर जी के प्रिय हैं, संगीत से बहुत अपना रुचि भी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं जोरदार से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हेलो। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बन कर के साया। वरदानी हाथों कि है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बन कर के साया। विजय का तिलक भाल पर अपने लेके, चले तीर हरने, शक्ति को भरने। चले हैं फरिश्ते बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब पे लुटाना। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला वो सब पे लुटाना। सूखी धरा पर है बनकर ये बादल बरसने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। चले हैं फरिश्ते। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और उनके लिए विशेष आदरणीय राधा दीदी जी फूल देकर उनका सम्मान करें। और मैं सुमन जी से निवेदन करता हूँ बाबा की तरफ से उनको आशीर्वाद के रूप में गुलदस्ता एवं शॉल पहनवा कर उनका सम्मान करें। और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे इस भावना के साथ, एक बार जोरदार से उनके लिए ताली बजाएं। अभी मैं विशेष रूप से बुलाना चाहूँगा आदरणीय भगवती प्रसाद सागर भाई साहब को। मैं उनके बारे में दो मिनट बोलना चाहूँगा। आप सभी यहाँ पर एंजिल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम है क्यों बैठे हुए हैं एंजिल वर्ल्ड में, बताएंगे आप लोग जी? एंजिल बनने के लिए। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि बाबा ने हमको ब्राह्मण से, जो भी ब्राह्मण आत्माएं होते हैं उनको रोज फरिश्ता फरिश्ता, जिसका कुछ रिश्ता नहीं होता बाबा से रिश्ता होता है। तो ये एंजिल बनाने के जो लक्ष्य लेकर के हमारे आदरणीय भगवती प्रसाद सागर भाई को, अभी हमारे किदवई नगर से आदरणीय दुलारी दीदी जी पहुंच नहीं पाई, तो उनकी एक संकल्प इस तरह का जन्म हुआ, भाई साहब को प्रेरणाएँ मिली, एक बहुत बड़ा विशाल जगह लेकर
हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए एक बहुत सुंदर स्थान का व्यवस्था कराया जाए। तो उसी संकल्प से आदरणीय भाई साहब, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश शासन में 3 बार मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय बिल्लौर क्षेत्र के विधायक भी हैं और बहुत सी संस्थाओं में आपका संबंध है। और आप सब जानते हैं विकलांगों का भी आप सेवा करते हैं और समाज के लोग जरूरतों को महसूस करते हैं, उनके साथ 24 घंटा खड़े रहते हैं। और लगातार राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी ऐसे संसार में, समाज में बहुत कम लोग मिलते होंगे जिसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन हो, सात्विक विचार हो, जीवन में सादगी हो और लोगों के कल्याण करने के लिए लगातार प्रेरणाएं देते रहे हो। तो उसमें से हमारे आदरणीय भगवती प्रसाद सागर भाई साहब एक बाबा का बच्चे भी बन गए हैं और जहां भी जाते हैं हर एक कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। और उनको ऐसा दृढ़ संकल्प बाबा ने दिया जो आज ये बहुत सुंदर स्थान जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा का क्लास के लिए भी सेंटर बना हुआ है, बाबा का बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ है और अभी 12 ज्योतिर्लिंग का ये दर्शन के लिए गुफा भी बन गया। ये जो 30 फीट का शिवलिंग भी आपके सामने देखते हैं, इसमें भविष्य में बहुत से ऐसे प्लान्स हैं कि एक बहुत सुंदर लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस या एक तीर्थ स्थल, एक पिकनिक स्पॉट बन जाए ताकि लोग अपना आप आकर्षित हो अध्यात्म की तरफ कि आकर के यहाँ पर अनुभूति करें और बाबा को, बाबा के ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसलिए एक बहुत सुंदर लेजर शो बनाने का भी यहाँ पर प्लान है। तो मैं समझता हूँ इन्होंने, आदरणीय भाई साहब ने इतनी पवित्र संकल्प से कार्य शुरू किया। मैं समझता हूँ अंग्रेजी में एक बात है, वेल बिगन इज हाफ डन। जो कार्य को आप लेते हैं अगर उसको बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे तो समझ लो वो कार्य आधा संपन्न हो ही जाता है। तो आज उस स्वरूप को आप देख रहे हैं। तो मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी विचारों को, अपनी शुभ भावनाओं को इस अवसर उनके लिए जोरदार से ताली बजाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुखी रहे संसार सा, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की, भगवान पूरी हो। आज महाशिवरात्रि के पावन पर मैं इस मौके पर सबसे पहले राधा बहन जी को हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जब मैं कई मंत्रियों को आमंत्रित किया था और वहाँ उषा बहन जी का क्लास था, उसमें मुझे ज्ञान बाबा का सुनने का अवसर मिला, तो बीज का रोपण हमारी राजयोगिनी दीदी, आप लोग स्वयं विचार करो, ऐसा भाई, एक तरफ हम लोग धन के चक्कर में रात दिन तनाव में जी रहे हैं और वहीं पर ऐसा भाई जो डिफेंस कॉलेज में प्रिंसिपल का पद धारण किए हुए था, बाबा का ज्ञान मिला और उसने इस्तीफा दे करके आज
हमारे कल्याणपुर सेंटर में बहन उमा जी के निर्देशन में, जिनका जीवन पवित्रता से परिलक्षित है, जिनके आचरण में, जिनके देखने से ही ऐसा लगता है कि ये इस जमीन की नहीं बल्कि परमात्मा की भेजी हुई फरिश्ता हैं, ऐसी फरिश्ता आत्माओं के बीच में हम लोग लौकिक लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आज यहाँ पर जो बाबा का वाइब्रेशन, ये कोई बहन 40 साल की सेवा में है, कोई बहन 30 साल की सेवा में है, कोई 10 साल की सेवा में है, ऐसी पवित्र ब्रह्मचारिणी बहनों का जो वाइब्रेशन है, जो दुआएं हैं, ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। ऐसी बहनें जिनका जीवन ही पवित्र हो, प्योरिटी हो, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं देने का काम हो, सिर्फ कलयुग को शतयुग में परिवर्तित करने के लिए, दुखी आत्माओं को सुखी आत्मा बनाने के लिए रात दिन प्रयास करती हूँ, 3:30 बजे से उठ करके दुआएं देने का काम करती हूँ, मैं ऐसी बहनों का और ऐसी आत्माओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। और परमपिता परमात्मा को जितना भी आभार व्यक्त करूँ, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, बहुत कम है कि पता नहीं क्या मुझ में देखा कि इसके निमित्त मुझे बना दिया। मैं तो कुछ नहीं हूँ, करवाने वाला वही है, संकल्प वो दिलाता है, प्रेरणा देता है, और मैं उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से जाएंगे, एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है। तो प्यारे प्यारे भाइयों, भगवती प्रसाद सागर एक जन्म के लिए नहीं, इतनी दुआएं, इतना खजाना लेकर के इस दुनिया से जाना चाहता है कि जब इस दुनिया से जाए तो परम पिता परमात्मा, जब परम धाम में मैं जाऊं तो बाबा स्वयं खड़े होकर के कहे कि राजनीति में रहते हुए। तो इस मौके पर मैं सभी साथियों का, हमारी आत्मिक बहनों का, आत्मिक भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।